मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर वाले नेता क्या जाने गरीबी क्या होती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। विजयवर्गीय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा काम गरीबों के लिए किया है, इसलिए भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता क्या जाने गरीबी जो हेलीकॉप्टर में घूमते हों। देश की मजबूती वो करेगा जो गरीबी जानता हो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जाति आधार पर बांटकर देश को बर्बाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति को समाप्त किया। मोदी के नेतृत्व में भाजपा इस बार 400 पार करेगी। देखिए, पूरे देश में हो रहा है और उनको लगता है कि हमारे नेता में भी दम नहीं है, हमारी नीति भी कुछ भी नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। तो जिस पार्टी के नेता नीयत नीति ठीक नहीं हो, वहाँ के कार्यकर्ता विचलित हो रहे हैं और निश्चित रूप से सारे देश में कांग्रेस छोड़ छोड़कर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें आप, चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, सब दूर। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर 5-10 हज़ार कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे खिलाफ जो लड़ा था वो फ्री आ गया। जिसको लोग लोकसभा का टिकट देना चाहते कांग्रेस, वो हाथ जोड़ता और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस से लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा होने को कोई तैयार नहीं, इतनी दुर्गति कांग्रेस की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।